अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर कैफे। में हुआ आपका दोस्त मोहम्मद फैज़ान। आज हमारी वेब डिज़ाइनिंग की जो क्लास है वो आज लेक्चर नंबर 2 है। तो आज हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो तक आप तक आसानी पहुँच सके। जिन्होंने अभी फ़र्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से वो फ़र्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। आज हम HTML का प्रैक्टिकल करेंगे। वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है और ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, HTML इंट्रोडक्शन हो गया था, अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलें दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक नया फोल्डर बना लेना है, उसको कोई भी नाम दे देना है और उस फोल्डर के अंदर आपने न्यू पे क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट बना लेने हैं। इस डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस डॉक्यूमेंट्स को हमने सेव एज करना है। स्टेप बाय स्टेप देखें, अगर जहां समझना आए तो वीडियो को पोस्ट करके आप अगेन उसको देख सकते हैं। ऑल फाइल सेलेक्ट करना है और यहां पर हमने डॉक्यूमेंट्स को नाम देना है, जैसे कि लेक्चर 2 हम दे देते हैं। और डॉक्यूमेंट्स को जब हमने नाम देना है तो उसकी एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए, एक्सटेंशन जो उसकी है वो हमने .html रखनी है ताकि हम ब्राउज़र को बता सकें कि ये जो हमारा पेज है वो HTML का है, ताकि इसके अंदर जो भी हम कोडिंग करेंगे उसके कोडिंग वो हमें आउटपुट देगा। तो याद रखना है, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि HTML की जो एक्सटेंशन क्या होगी .html। तो इसको हम करते हैं सेव। ये हमारा सेव हो चुका है लेक्चर नंबर 2। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंटैक्स लिखते हैं HTML। तो हमने जाना था कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है HTML। आ गया इसके अंदर, हमने HTML के अंदर रहकर हमने जो कोडिंग करनी होती है। तो सबसे पहले हमने सेक्शन देखा था, इसके दो सेक्शन होते हैं, हेड और बॉडी का। तो सबसे पहले सेक्शन कौन सा हम करेंगे, हेड का, और इसको क्लोज भी करेंगे। हेड के अंदर हमने क्या देखा था कि हेड के अंदर टाइटल आता है, तो टाइटल का टैग, और इसको हम क्लोज टैग भी करेंगे। जिनका क्लोज टैग होता है उसको क्या कहते हैं, पेयर टैग्स। और ये हमारे कौन से टैग्स हैं, पेयर टैग्स हैं। और टाइटल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि माय, इसको हम कैपिटल कर लेते हैं, माय फर्स्ट वेबसाइट। तो ये जो हमारा वेबसाइट का नेम होगा, टाइटल है, ये हमने क्या लिखा, माय फर्स्ट वेबसाइट। तो दूसरा सेक्शन हमारा क्या है, दूसरा सेक्शन हमारा है बॉडी का। अगर जिन्होंने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से वो कर सकते हैं। बैक स्लैश नहीं लगाई, बॉडी। अच्छा, हम ये है HTML का सिंटैक्स। अब बॉडी के अंदर हम जो कोडिंग करेंगे वो हमें आउटपुट में नज़र आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास हेडिंग्स होती हैं। सबसे पहले अगर आपने अपनी वेब पेज में हेडिंग आउटपुट में शो करवानी है तो हम हेडिंग, इस हेडिंग का टैग यूज़ करते हैं। हेडिंग का टैग में H1 से स्टार्ट किया जाता है। और मैं आपको बता दूँ कि जो हेडिंग्स होती हैं वो उसकी 6 टाइप्स की होती हैं। टाइप्स कह लें या कुछ भी कह सकते हैं, 6 तक हो सकता है। H1 जो है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। H1, इसको आप क्लोज भी करेंगे, H1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोहम्मद फैज़ान। इसको कंट्रोल एस करके सेव किया और मिनिमाइज करके हम ये वाला हमारा लेक्चर है, इसको हम ओपन करके देखते हैं। ये देखें, ये हमारी क्या है, ये हेडिंग है मोहम्मद फैज़ान। और ये कौन सी हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है। अगर हम इसमें सेकंड हेडिंग यूज़ करते हैं, यानी कि H2, उसके बाद इसको H2 करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमने इसको H2 की जब हेडिंग लगाएंगे
वो मैं आपको इसका डिफरेंस बता देता हूँ क्या है आएगा। पाकिस्तान, इसको कंट्रोल एस किया और इसको मिनिमाइज़ किया। इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे तो वो इससे छोटी हो गई है। हेडिंग्स में कितनी टाइप्स होती हैं? 6 होती हैं। तो हम इसी को अगर कॉपी करें जी, हमारे पास 6 हो गई हैं। और यहाँ पर हमने क्या करना है, 3 कर देना है, इसको रीनेम कर देते हैं, 4 सॉरी 4 5 6 एज इट इज़। हमने यहाँ पे भी यही काम करना है, 3 4 5 और 6 कंट्रोल एस करेंगे और इस पेज पे जब हम आएंगे इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें हेडिंग्स 6 टाइप्स की होती हैं। मैंने आपको दिखाया भी है, अब उसको प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दिया है। सबसे पहले जो H1 है वो हाईलाइट है, वो ज़्यादा बड़ी है, और H2 उससे कम, और H3 इसी तरह वो कम होती जा रही है, और H6 तो बहुत ही स्मॉल में आ गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर हम H7 करें तो उससे क्या होगा। मोस्टली H6 तक है, अगर आप H7 करते हैं तो वो नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा, वो हेडिंग्स में काउंट नहीं होगा। वो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, जब हम इस पेज पे आएंगे इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो ये नॉर्मल टेक्स्ट, जैसे कि आम हम नोट पैड में टेक्स्ट लिखते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। आज हमने क्या सीखा है, आज हमने सीखा है हेडिंग्स, ठीक है, हेडिंग्स कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जो हेडिंग है वो पेयर टैग है, जैसे ये ओपन होगा इसका क्लोज टैग भी होगा, और क्लोज टैग हम किसे करते हैं, ये स्लैश के साथ। टाइटल भी हमने दिया, और ये आप देख सकते हैं कि हमारा टाइटल जो है ये यहाँ शो हो रहा है, ये यहाँ माई फर्स्ट वेब, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। टाइटल जो होता है वो वेबसाइट का टैब में जो हम करते हैं वो टॉप पे शो होता है। हमने टाइटल में क्या लिखा था, माई वेबसाइट, तो वो ऊपर शो हो रहा है। आज हमने क्या सीखा है, हेडिंग्स। तो आज का जो लेक्चर था वो यहाँ तक ख़त्म हुआ। शॉर्ट वीडियोज़ है, इतना लेंथी भी नहीं है, और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करता ताकि तो बोरिंग फील ना करें। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके, और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।